इसको अगर मैं करता हूँ ना आवाज़ ऊँची, तो स्पीकर काम नहीं कर रहे हैं बिल्कुल, सिर्फ काम कर रहा है वूफर। तो भाई देखो ये तो लग रही है अपनी बेस ट्यूब अंदर, और यहाँ पे फिलहाल भी हो रही है इसकी सेटिंग, तो यहाँ पे लग चुकी है वेलकम लाइट। सब्सक्राइब टू YPM व्लॉग्स एंड लाइक द बेल आइकन। वेल सो वे सो गाइस YPM व्लॉग्स बैक है। फिलहाल तो चिराग भी मेरे साथ पीछे बैठे हैं, कैपेचिनो पी रहे एंड अंकल पी रहे हैं जावा चिप। अभी चल रहा है कॉफी ब्रेक बढ़िया वाला है ना। तो और मेरी आपको ऐसा पता ही है एज यूजुअल भाई आदत पड़ी हुई है कि इसके बिना सुबह सुबह आंखें खुलती नहीं है। तो मेरी है CCF एंड इसके अंदर डले हुए हैं 6 ब्लॉन्ड शॉट्स एंड लेस शुगर एंड मोर आइस। मतलब आदत पड़ चुकी है ना कि मैं आंखें खुलती नहीं है सुबह सुबह इसके बिना। एंड एंड अभी फिलहाल हम जा रहे हैं करोलबाग, क्योंकि ऐसी ऐसे कि फिलहाल मैंने कराया था इको स्पोर्ट में काम करोलबाग से, एंड वहाँ से अगर काम कराया था थोड़ी बहुत दिक्कत तो हमेशा आएंगी आएंगी वायरिंग की बहुत ज़्यादा। अभी दिक्कत क्या है इसको दिखाता हूँ ब्लॉग के अंदर, बट इससे पहले आप देखो हमारी थोड़ी स्विमिंग की क्लिप्स, तो वीडियो कॉल थी एंजॉय करो, कंटिन्यू करते हैं आज के इस ब्लॉग को एंड वीडियो को लाइक कर देना। तो कंटिन्यू करते हैं, चले चलते हैं। तो उससे पहले आप जरा देखो स्विमिंग की क्लिप्स, तो चलो दीजिए चलते हैं। वेल सो विद यू गाइस हैव अ ब्लॉग बैक हियर। हरकतें शुरू होगी मतलब स्विमिंग पूल में आते ही। बेस्ट चीज है भाई समर में करने के लिए, प्राइवेट स्विमिंग पूल है भाई अपना खुद का। बाकी इफ यू वांट अ फुल वीडियो ऑन द स्विमिंग पूल देन कमेंट डाउन बिलो भाई, वीडियो लेकर आएंगे। एंड फिर अभी यार थे करोलबा कुछ काम करवाने के लिए कार के ऊपर, बट सोचा कि भाई चलो थोड़ा पहले चिल विल कर लेते हैं क्योंकि बहुत दिन से स्विमिंग करी भी नहीं है। एंड मैंने आपको बोला आप स्विमिंग पूल ऑन करवा दो क्योंकि पूरा खुद का प्राइवेट स्विमिंग पूल है। तो करें स्विमिंग आप, और यहाँ पे अंकल है, अंकल स्विमिंग नहीं करते आप? करता हूं भैया लेकिन बहुत कम। आ जाओ फिर अंदर आ जाओ। नहीं भैया क्यों, बहुत डर लग रहा है। मुझे ये बोल रहे थे भाई स्विमिंग पूल में तो एक्सपर्ट हूँ मैं ये हूँ मैं वो हूँ, अब आगे देख लिया वहाँ जा रहे हैं शैलो में जबकि ये है डीप। वहाँ क्या कर रहे हो 3 फुट में, इधर आओ 7-8 फुट है इधर कुछ। ये मैंने पकड़ी बॉल, भाई मैं चला स्विमिंग करने है ना, आती नहीं है आपको, बहुत मुश्किल है ये। चलो भाई इफ यू वांट अ फुल स्विमिंग पूल ब्लॉग देन कमेंट डाउन बिलो, बाकी जल्दी से थोड़ी स्विमिंग करते हैं अपना, फिर आपको इधर लेके चलता हूं करोलबाग फॉर डीप स्पोर्ट करवाने थोड़ी मॉडिफाई। A few moments later. So you just saw के अभी हम करके आए स्विमिंग एंड भाई बहुत ज़्यादा मजा आया। तो इफ यू वॉन्ट अ फुल स्विमिंग ब्लॉग देन कमेंट डाउन बिलो, उस पर वीडियो भी ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वैसे अपना आजकल चल रहा है 100 दिन 100 वीडियो का चैलेंज एंड इट्स गोइंग ग्रेट। ठीक है तो फिलहाल तो यार देखो दिक्कत क्या आ रही है कि इफ आई टेल यू, इसको अगर मैं करता हूँ ना आवाज़ ऊँची तो स्पीकर काम नहीं कर रहे हैं बिल्कुल, सिर्फ काम कर रहा है वूफर है ना भाई, वो इसलिए हो रहा है जो वायरिंग होती है ना। हाँ जी बहुत हल्की लगाते हैं, बहुत ज़्यादा हल्की लगाते हैं, मैंने फ़ोन किया था कि भाई मैं आ रहा हूँ करो ठीक है ना अंकल, मतलब अंकल एक बार अगर काम कराओगे ना करोलबाग से तो दोबारा जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। एक बार तो जाना ही पड़ेगा, मैंने भी कराया था बिल्कुल भाई, तो उसके बाद मैंने सारी वायरिंग चेंज करवाई बिल्कुल भाई। मतलब यार क्या हो सकते हैं कि थोड़ा बहुत रहता ही यहाँ पे क्योंकि इतने अंकल जल्दी जल्दी में काम करते हैं ना कि थोड़ा बहुत नहीं जाता है, ठीक है ना बिल्कुल भाई रश भी होता है। तो फिलहाल तो गाड़ी के अंदर मेरे को बेस का अच्छा लगा नहीं रिस्पांस, तो आई एम थिंकिंग कि इसमें करवा लूँ आज मैं बेस ट्यूब भी इंस्टॉल कार के अंदर एंड साथ में लगाऊंगा पीछे में ट्रे जो लगती है पार्सल ट्रे, ठीक है, और यहाँ पे लगेगा एक आर्मरेस्ट, ठीक है ना। तो जल्दी से चलते हैं करोलबाग। सो फिलहाल तो अभी आ चुका हूँ मैं जय ऑटो पे एज यूजुअल, सोनू भाई यहाँ पे कैसे हो? तो भैया आज क्या करने वाले हो कार में इंस्टॉल? आज आपको ये एम डलेगा, हाँ जी ब्राजो का, ठीक है, ये वायरिंग किट, वायरिंग किट डलेगी, ओके बड़ी हैवी वायरिंग किट लग रही है, तो कनेक्ट की, ठीक है, इसके साथ बेस ट्यूब डलेगी, रॉकफोर्ड, रॉकफोर्ड की, ओके, और इसका फ्लाइटिंग, और साथ में पार्सल ट्रे और आर्मरेस्ट लगेगा, आर्मरेस्ट और पीछे का स्पीकर ट्रे जो होगा, ठीक है, देखो वो पड़ा भाई अपनी पार्सल ट्रे वहाँ पे, ठीक है चिराग भैया, कितनी लग जाएगी? 1-1.5 घंटा लग जाएगा, ओके, तो जो मेरा ब्राजो का सब ऊपर था ना उसमें अच्छा अच्छा आउटपुट नहीं आया, तो फिर अब ये लगवा रहे हैं भैया, तो एम्पलीफायर विद बेस ट्यूब साथ में 4 स्पीकर, आउटपुट बढ़िया आएगा। चलो भाई फिलहाल तो एक बार वायरिंग किट भी देखो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वायरिंग किट लग रही है, एक बार देखो तो करवाते हैं जल्दी से पूरा काम शुरू, और इसका फ्लैटिंग देखो, फिर मैं ये भी है मेरे को चिराग भैया ने बोली थी लगवाने के लिए कि ये लगती है बहुत ज़्यादा सही चारों दरवाजों पे, इसके बाद मैं तो कह रहा था एंबिएंट लाइट भी लगवा लेंगे पैरों में, रोल्स रॉयस ना बनवा लूँ गाड़ी को मैं। तो भाई देखो ये तो लग रही है अपनी बेस ट्यूब अंदर, और यहाँ पे फिलहाल भी हो रही है इसकी सेटिंग, इसको ना अंदर बांध देंगे धागों से ये ताकि इधर उधर हिले ना, ठीक है, और ये देखो ऊपर की जो रूफ रेल है वो तो लग रही है दोबारा से होगी ना, ये निकल रही थी और ऐसा को बताया था मैंने दोबारा एक बार आना ही पड़ता है अंकल यहाँ पे काम करवाने, एंड सारा अंदर का हो चुका है फिलहाल तो काम, एम्पलीफायर भी लग चुका है, स्पीकर सारे बढ़िया काम कर रहे हैं, जो बेस ट्यूब है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया काम कर रही है। तो फिलहाल तो अभी आ चुकी है बारिश यार बहुत तेज़ की, देखो हालत ख़राब हो गई भाई बिल्कुल भाई, अभी इतनी गर्मी हो रखी थी और बारिश आ गई बेमौसम बरसात, ये देखो तो यहाँ पे लग चुकी है वेलकम लाइट, ये चलेगी इसके साथ में ना, हाँ जी डोर के साथ जो, ठीक है, तो ये वेलकम लाइट लगी चारों दरवाजों में, एंड यहाँ पे लग चुका है स्टीरियो जो कि परफेक्टली काम कर रहा है हर स्पीकर के साथ में, यहाँ पे लग चुका है नीचे एम्पलीफायर भी एंड वेलकम लाइट यहाँ पे भी लगी है,
ये देखो एंड बीच में देखो यहाँ पे लगवा एक आर्मरेस्ट भी, जो कि मेरे को पापा ने कहा था कि लगवा दियो आर्मरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे लगी पीछे पार्सल ट्रेन, इफ आई शो यू द बेस ट्यूब, तो भाई देखो यहाँ पे है बेस ट्यूब जो कि पूरी बांध दी है, जो कि हिल भी नहीं सकती, और यहाँ पार्सल ट्रे है तो पूरा ये काम हो चुका है कार के अंदर, ठीक है। अब कार बढ़िया हो जाएगी भाई, पूरा भीग चुके हैं। एंड देखो यहाँ पे भी वेलकम लाइट देख लो, एंड यहाँ पे अगेन वेलकम लाइट, यहाँ पे पीछे भी छोटी क्यों है वेलकम लाइट, पीछे डोर है ना छोटे हिसाब से बचते हैं। अच्छा अच्छा, से बड़ा होता है। तो आगे देखो पूरा लिखा हुआ इको स्पोर्ट भी वहाँ पे लिखा है फॉर, तो पूरी ब्लू कलर की लाइट है। एंड द कार इज डन एज ऑफ नाउ, तो थैंक यू सो मच भैया, कॉन्टैक्ट करो भाई जय ऑटो को फॉर चीपेस्ट कार एक्सेसरीज। सही लग रही है ना? बिल्कुल सही, मैं आपने कहा था लगाने के लिए। ओके मैं बताऊंगा कमेंट की इसमें अलॉय भी लगवाए जाए ना लगवाए जाए, कमेंट करके जल्दी से बताओ। तो देखो ये है शॉप का कार्ड जय ऑटो, यहाँ पर मोबाइल नंबर दिख रहे हैं, यहाँ पे एड्रेस है शॉप का जय ऑटो नाम है शॉप का, और यहाँ पे सोनू भी है, ठीक है। कॉन्टैक्ट करो फॉर चीपेस्ट कार एक्सेसरीज, एम्पलीफायर स्पीकर सब कुछ मिल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, और सारी गाड़ियों के काम होते हैं, ठीक है भाई। ओके चलो चलते हैं, एंड देखो लग रही है डी आर एल बहुत ज़्यादा सही गाड़ी की हमारी लेट है। एंड भाई बैक टू माई होम, एंड जैसे मैं आया था घर पे, जो मैंने कार खड़ी कर रहा था नीचे, पापा ऊपर से जल्दी से आ गए, पापा ने बोला आज क्या करवा क्या हरकत है, मैंने बोला गाड़ी खोल के खुद देख लो, गाड़ी खोलती भाई पापा को देखिए वेलकम लाइट जो की थी पूरी ब्लू कलर की, उन्होंने बोला भाई ये किससे पूछ के करवा दिया, मैंने बोला सही नहीं दिख रही पहले की बताओ, पापा कहते सही तो लग रही है, फिर आपने देखी पार्सल ट्रे, एंड फिर आपने देखा आमरेस को बोलते ये तो लग रही है बहुत ज़्यादा बढ़िया, एंड फिर पापा बैठे गाड़ी के अंदर, एंड उन्होंने सुना म्यूजिक सिस्टम, पापा ने बोला मज़े आ गए। फिर पापा को मैंने बोला जो पूरी डिक्की है वो खाली हो चुकी है, उसमें फिलहाल तो लगा है पूरा बेस ट्यूब, फिर वहाँ पे गुस्सा शुरू हुआ पापा को आना कि ये इतनी बड़ी किससे पूछ के लगवाई है, तेरी गाड़ी नहीं है ये, मतलब मैंने बोला तो पहले पर बैठो एक बार आवाज़ सुनो, पापा कह रहे मज़ा तो मेरे को आ रहा है, तो मतलब थोड़ा पूरा रहा मिक्सचर सा, बट स्टिल भाई एंड ये रहा कि पापा को अच्छा लगा म्यूजिक सिस्टम का साउंड, पर पापा ने बोला कि जो बेस ट्यूब है उसने पूरी पूरी जगह घेर ली है डिक्की की, अब मैं सारा सामान का वगैरह कहाँ फिट करूँगा, मैं बोला पापा कोई बात नहीं पीछे वाली सीट पर रख लेना, तो वैसे आपका जो शौक है 6-7 महीने का ये कोई स्पोर्ट का उसके बाद बेस दोगे, कह रहे ये बात तो है। तो चलो भाई मिलता हूँ आपसे कल सुबह 11:30 एक और डेली ब्लॉग में, टिल देन भाई ओके, फिलहाल तो देखो टाइम हो चुका है 2:53, तो अब मेरा काम है थोड़ा सोना, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि इसमें सोऊंगा 4-5 बजे तक, क्योंकि अभी तो कुछ काम करना है मेरे को पीसी पे, एंड पर मेरे को बहुत लोग बोल रहे हैं कि तो आजकल गेमिंग नहीं कर रहा, तो मैं गेमिंग बहुत जल्दी करने वाला शुरू, एंड एक और जिसकी भाई अगर आपने मेरा सॉन्ग नहीं सुना अभी तक इसका नाम है अनएक्सपेक्टेड, जल्दी से सुन लो उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन। एंड भाई वन मोर थिंग की जो तो चाहते हैं ना कि मैं करूँ स्टोरी रीपोस्ट, तो जल्दी से जाओ इंस्टाग्राम पे एंड मेरे को टैग करो मेरी स्टोरी के अंदर, एंड ऑल्सो यूज़ इंस्टाग्राम म्यूजिक में लिखो वहाँ पे जाके अनएक्सपेक्टेड, जो कि मेरा सॉन्ग है अभी नया नया आया आपकी सबके, मैं करूँगा स्टोरी अपनी रीपोस्ट अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर। तो यार मिलता हूँ कल सुबह 11:30 एक और डेली ब्लॉग में, टिल देन बाय, एंड या सपोर्ट करते रहो, बाय।